योगी की तारीफ करना शिवपाल यादव को पड़ा महंगा। अखिलेश ने शिवपाल के खिलाफ आखिर ले ही लिया एक्शन। क्या सपा से आजाद शिवपाल अब योगी के पाले में जाएंगे? समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए कभी पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल यादव से भिड़ जाने वाले अखिलेश यादव साल 2017 में पार्टी के अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन उसके बाद से ही चाचा शिवपाल और अखिलेश के बीच दूरियां बढ़ गई थी। ये दूरियां इसी साल हुए यूपी विधानसभा चुनाव में थोड़ी कम हुई थी, जब एक साथ एक मंच पर शिवपाल और अखिलेश नजर आए थे और दोनों ने ही मिलकर योगी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। लेकिन चुनावी नतीजों के बाद से शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच तल्खियां बढ़ने लगी थी, क्योंकि शिवपाल का आरोप था कि उन्होंने साइकिल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा, विधायक बने, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश विधायक दल की बैठक में उन्हें नहीं बुलाते थे। बस इसी बात से खफा खफा से चल रहे शिवपाल यादव ने कई बार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी कर दी थी और राष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दे दिया। शायद यही बात सपाई मुखिया अखिलेश यादव को रास नहीं आई, इसलिए उन्होंने शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया को आखिरकार गठबंधन से आजाद कर ही दिया। दरअसल विधानसभा चुनाव में सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और इसी रणनीति के तहत उन्होंने अपने चाचा शिवपाल यादव की पार्टी को भी अपने साथ ले लिया और इटावा के जसवंत नगर सीट से उन्हें सपा का टिकट देकर उतार दिया। इस सीट से शिवपाल सिंह यादव ने जीत भी हासिल कर ली, लेकिन उन्हें कभी सपा की विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया। जबकि मैंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेकर के और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे करके हमने चुनाव लड़ा था, तो तब भी हमें किसी न तो मीटिंग बुलाया जाता, न पार्टी की मीटिंग में, न विधानमंडल दल की मीटिंग में, न अभी तक सूचना मिली, अभी तक भी नहीं मिली है। इस बात की टीस लिए घूम रहे शिवपाल सिंह यादव ने कई बार सीएम योगी की खुलकर तारीफ की, तो सीएम योगी ने भी भरी विधानसभा में उन्हें अपना चाचा बता दिया। एक दूसरे की तारीफ का ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा और बात राष्ट्रपति चुनाव तक पहुंच गई, जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन किया, उन्हें वोट दिया, तो वहीं शिवपाल सिंह यादव सपा के सिंबल पर चुनाव जीतने के बावजूद अखिलेश के साथ न जाकर योगी के पाले में चले गए और एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दे दिया। देखिए, हम बहुत पहले बोल चुके थे कि जहां हमें बुलाया जाएगा, जो हमसे वोट मांगेगा, तो हम उसको वोट करेंगे। तो आपको जानकारी होगी कि इससे पहले भी चुनाव हुआ था, तब भी समाजवादी पार्टी ने हमसे न तो बुलाया, न हमसे वोट मांगा। जब किसी ने वोट नहीं मांगा तो रामनाथ कोविंद जी, जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने उस समय हमसे दो बार वोट मांगा। मुख्यमंत्री जी ने भी मुझसे उस समय वोट मांगा। तो जब समाजवादी पार्टी ने ना बुलाया, ना मुझसे वोट मांगा, तो फिर हमने जिसने वोट मांगा, मुख्यमंत्री जी ने वोट मांगा, रामनाथ जी को कोविंद जी ने वोट मांगा, द्रौपदी जी ने, मतलब हम द्रौपदी मुर्मू जी, तो फिर अभी हमें मुख्यमंत्री जी ने कल निमंत्रण दिया तो मैं गया और हमारी भेंट द्रौपदी मुर्मू से हुई। तो अब हमने तय कर लिया है कि हम वोट द्रौपदी मुर्मू को देंगे। राष्ट्रपति चुनाव में शिवपाल सिंह यादव ने योगी का साथ दे दिया। शायद यही बात सपाई मुखिया अखिलेश यादव को रास नहीं आई, इसलिए समाजवादी पार्टी की ओर से एक लाइन में कह दिया गया, माननीय शिवपाल यादव जी, अगर आपको लगता है कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। सपा की इस एक लाइन से आप समझ सकते हैं कि सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को सपा से आजाद कर दिया और अब अगर उन्हें ज्यादा सम्मान मिलता है वहां जाने के लिए आजाद है। सपा का ये सम्मान वाला तंज कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर इशारा था, क्योंकि शिवपाल यादव ने कुछ ही दिनों पहले कहा था कि उन्हें अपने ही घर में सम्मान नहीं मिला, लेकिन सीएम योगी से उन्हें पूरा सम्मान मिला।
एक सीनियर लीडर के नाते आदमी एक सम्मान की बात होती है, क्योंकि आप खुद बहुत सीनियर हैं, कोई पार्टी आपके लिए कोई बहुत बैरियर नहीं है, तो एक सम्मान नहीं मिलना एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है जो आपको एनडीए की तरफ से मिला। चलिए, सम्मान मिला और मिलना चाहिए हैं? जो अपने घर में हम कह सकते हैं आपको नहीं मिला। हाँ, बात सही है, घर में कोई बात ना करे, जबकि मैंने समाजवादी पार्टी को बनाने में नेताजी का हमेशा छाए की तरह से मैंने उनका साथ दिया है, और कई बार सरकारें गिरा करके बनाई भी हैं, सरकारें बनाई भी हैं, उसके बाद अगर समाजवादी पार्टी में कोई बुलावा भी न दे, कोई पूछे नहीं, कोई बात न करे, तो फिर वहाँ जाना मेरा ठीक नहीं। क्या भविष्य देखते हैं? आपको बता दें, शिवपाल सिंह यादव ने न सिर्फ एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था और उन्हें वोट दिया था, बल्कि राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये नियति की अजीब विडंबना है कि समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में उस व्यक्ति का समर्थन किया है जिसने हम सभी के अभिभावक और प्रेरणा और ऊर्जा के स्रोत आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव को उनके रक्षा मंत्रित्व काल में पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था ISI का एजेंट बताया था। शिवपाल यादव का इशारा विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की ओर था, जिन पर मुलायम को ISI एजेंट कहने का आरोप है, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश और उनके पार्टी के सांसदों विधायकों ने यशवंत सिन्हा को ही वोट दिया था। बहरहाल, अब जब सपा की ओर से शिवपाल सिंह यादव को आजाद कर ही दिया गया है, तो क्या शिवपाल को योगी सरकार के साथ जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखिए, हम बहुत पहले बोल चुके थे कि जहाँ हमें बुलाया जाएगा, जो हमसे वोट मांगेगा, तो हम उसको वोट करेंगे। तो आपको जानकारी होगी कि इससे पहले भी चुनाव हुआ था, तब भी समाजवादी पार्टी ने हमसे न तो बुलाया, न हमसे वोट मांगा। जब किसी ने वोट नहीं मांगा, तो रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने उस समय हमसे दो बार वोट मांगा। मुख्यमंत्री जी ने भी मुझसे उस समय वोट मांगा। तो जब समाजवादी पार्टी ने ना बुलाया, न मुझसे वोट मांगा, तो फिर हमने जिसने वोट मांगा, मुख्यमंत्री जी ने वोट मांगा, रामनाथ जी को कोविंद जी ने वोट मांगा, द्रौपदी जी ने, मतलब हम द्रौपदी मुर्मू जी, तो फिर अभी हमें मुख्यमंत्री जी ने कल निमंत्रण दिया, तो मैं गया और हमारी भेंट द्रौपदी मुर्मू से हुई। तो अब हमने तय कर लिया है कि हम वोट